लास्ट वीडियो जो थी दैट वाज ऑन गर्ल्स इन नाइफ बेस्ड क्लासिफायर. सो टिल नाउ अगर क्लासिफिकेशन की तरफ देखें, वी हैव डन डिस्क्रीट केस फॉर नाइफ बेस्ड क्लासिफायर, जिसमें डिस्क्रीट रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं फॉर ईच फीचर एंड दैट मीन्स फॉर ईच एट्रीब्यूट यू कैन से. और फिर देन वी कवर्ड गॉसियन नाइफ बेस्ड क्लासिफायर, जिसमें वी सेड कि वी माइट हैव रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज हों, जिसमें ऐसा फिक्स रेंज और डोमेन नहीं हो कि रेड कलर या येलो कलर या ब्लू कलर इस तरह, या फिक्स डोमेन जब नहीं होती हैं तो हम प्रॉबिलिटी ऑफ जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉबिलिटी 1.00161 गिवन क्लास 0 डायरेक्टली डिस्क्रीट केस की तरह सॉल्व नहीं कर सकते. उसके लिए जो सोल्यूशन है दैट इज गॉसियन नाइफ बेस्ड क्लासिफायर, बिकॉज वी हैव कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज. तो वट इट डज इसके हम लोगों ने प्रॉपर स्टेप्स देखे कि वी हैव टू फीचर स्केल, देन प्रायर प्रॉबिलिटी, देन मीन एंड वेरियंस पेइंग डेटा सेट का निकालना, एंड उसके थ्रू पर हम टेस्ट डेटा में अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें, बेस फॉर्मूला ही लगाते हैं, एंड देन उसके बाद वही जिसकी प्रॉबिलिटी हाई हो, जिस क्लास की प्रॉबिलिटी हाई निकली हो, हम वो लेबल दे देते हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को. नाउ इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिजल्ट इवैल्यूएशन. आपने अगर लगा भी लिया कि मतलब मैं कह रही हूँ कि नाइफ बेस मॉडल लगा भी लिया, सो एक्यूरेसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपके मॉडल की एक्यूरेसी आपको नहीं पता, आपको पता ही है कि आपका रिजल्ट ठीक आया भी है कि नहीं आया, सो जस्ट पुटिंग इन मॉडल डजंट गिव्स एनी इम्पैक्ट. व्हाट यू हैव टू टेल इज टू द क्लाइंट इज कि हमने जब भी मॉडल लगाया व्हाट एक्यूरेसी डिड इट गिव, हाउ मच रिजल्ट्स वर आइडेंटिफाइड करेक्टली. ठीक है, कि क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपने लगा भी लिए हैं एंड आपका रिजल्ट आया ही बिल्कुल वेग है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कंसिडरेशन उसको मिल ही नहीं सकती है, सो इज ऑफ नो यूज. सो रिजल्ट्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिकली सर्टन पैरामीटर्स हैं ये बताने के लिए कि आपका मॉडल अच्छा है कि नहीं है. आपने एक मॉडल लगा लिया लेकिन आपको कैसे पता कि वही आपके लिए अच्छा है, तो वो जो चीज़ है उसको मेजर करते हैं रिजल्ट इवैल्यूएशन के तरीके से, कि आपको पता चले आपके कितने रिजल्ट्स ठीक आए. अगर नहीं अच्छे आए हैं तो कोई और मॉडल लगाने की जरूरत है, अगर अच्छे आए हैं तो ये परफेक्ट मॉडल है आपके लिए. दिस इज हाउ वी बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ मॉडल, कि कौन सा क्लासिफायर लगाना है, कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाना है, या कौन सा न्यूरल नेटवर्क लगाना है. सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, कितने इसने करेक्टली आइडेंटिफाई किए. ठीक है, सो इसके लिए वी हैव फोर थिंग्स टू कंसिडर, और यू कैन से फोर थिंग्स टू स्टडी. फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन द सेकंड थिंग इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी. नाउ ये सारी डेफिनेशन जो है मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है. एक्यूरेसी का जैसे मतलब है कितने परसेंट करेक्ट है. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है जो आपको बताता है, चार वैल्यूज आपको बताता है, चार वैल्यूज कैलकुलेट करता है. फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईआर दिस माइट हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड, शायद कोई एक दो चीज़ शायद ही कोई नई हो. आई एम नॉट श्योर कि आईआर में कितना कवर होता है. आई रिमेंबर कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता था और स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी शायद होता था, प्रिसीजन रिकॉल तो पता ही होता है. तो आईआर के अलावा वाले डेटा साइंसेज में भी शायद आई गेस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज कवर्ड, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज बेसिकली 2x2 मैट्रिक्स, जिसमें जो है दो जो वैल्यूज़ निकलती हैं आपकी वो करेक्ट होती हैं. जो बेसिकली दो वैल्यूज जो होती हैं वो ये होती हैं कि इसने जो करेक्टली आइडेंटिफाई करने थे वो करेक्टली कर लिए, एंड जिनको आइडेंटिफाई रॉन्ग करना था उसने उनको रॉन्ग ही किया. दैट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल कोरोना का अगर हो गया, जो पेशेंट्स कोरोना के एक्चुअली में थे उनको उसने टेस्ट पॉजिटिव सही किया, एंड जो एक्चुअली में कोरोना के पेशेंट्स नहीं थे, मतलब दे हैड टू बी डिटेक्टेड फॉल्स, दे वर करेक्टली डिटेक्टेड फॉल्स. ठीक है, सो ट्रू वट डिटेक्टेड एज ट्रू, फॉल्स वट डिटेक्टेड एज फॉल्स. These two are the ones जो error हैं. ठीक है, दिस इज द वन जो आपकी एक्यूरेसी को डिविएट करते हैं. मतलब अगर सारे पेशेंट्स को मैं करेक्टली आइडेंटिफाई कर दूँ ट्रू भी और फॉल्स भी, तो फिर तो 100% एक्यूरेसी हो जाएगी ना. तो ये जो दो हैं ये आपके एरर्स होते हैं. सो वील स्टडी वट दीज एरर आर एंड ये कैसे होते हैं. सो दिस इज वट अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में बेसिकली इट, पहले मैं पिक्चर दिखा दी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की. द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली लुक्स लाइक दिस. सो दिस इज द एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल आउटकम ट्रू फॉल्स, and the predicted outcome true and false. For example, let's take the example of corona. So I'm saying कि actually में patients जो true होने थे वो ये सारे होने थे, and actually में जो false होने थे वो इतने false होने थे, लेकिन इसने true सिर्फ इनको predict किया. ठीक है, and बाकियों को नहीं predict कर पाया. So अगर आप देखें जिसको true होना था, अब जो outcomes हैं that's corona को या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा, correct? सो जो एक्चुअल में आउटकम होगा या तो पेशेंट कोरोना का होगा या तो वो पेशेंट कोरोना का नहीं होगा. अब आपने भी यही प्रिडिक्ट करवाना है कि वो पेशेंट कोरोना का है या वो पेशेंट कोरोना का नहीं है. ठीक है, सो अगर आपने ट्रू किया और ये भी ट्रू है, दैट मीन्स आपने करेक्टली जो पेशेंट को कोरोना था आपने उसको कोरोना टेस्ट करवा दिया, दैट इज नोन एज ट्रू पॉजिटिव. ठीक है, द वन वी प्रिडिक्ट एज ट्रू एंड इट इज एक्चुअली ऑल्सो ट्रू,
ठीक है, कि एक्चुअली में भी वो उसको कोरोना था एंड हमने भी उसको कोरोना ही प्रिडिक्ट करवाया कि उसको है, ही हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव एंड मतलब एज पर आवर क्लासिफायर ही हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव एंड इन एक्चुअल ऑल्सो इफ यू सी इट वॉज पॉजिटिव. जो टेस्टिंग डेटा होता है ना पर्टिकुलरली, उसका रिजल्ट आपके पास होगा. ठीक है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जैसे हमारे पास था जो टेस्ट डेटा था, फॉर सपोज लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो टेस्ट डेटा था, फॉर सपोज दिस वॉज आर टेस्ट डेटा, ठीक है, तो जो इसके लेबल्स एक्चुअली में होने चाहिए थे ना, वो हमारे पास होते हैं बैक एंड में. ठीक है, आपको यूजर क्लाइंट जो है वो बेसिकली देखता है आपने उसको ठीक लेबल दिया है कि नहीं दिया. लेकिन फॉर सपोज जैसे फेस रिकग्निशन हो गया, तो आपको ये फीचर्स मिल गए ना, आपने उसको लेबल करना है कि ये जो है ये किसका चेहरा है. लेकिन बैक एंड पे हमें तो पता है कि ये किसका चेहरा है. एक्यूरेसी कैसे नापेंगे हम, जो एक्चुअल आउटकम होना चाहिए था और जो आपका निकला उससे मैच करेंगे. कि अगर उसने निदा का लेबल देना था एक्चुअल में ये इसको लेबल मिलना है निदा का, और आपने लेबल निदा का ही दिया, तो इट इज एक्चुअली मैचिंग करेक्टली. बट अगर आपने इसको लेबल निदा का नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल हिना का लेबल दे दिया है, तो इट्स नॉट मैचिंग करेक्टली विद द एक्चुअल लेबल, क्योंकि इस फीचर इस रोग को एक्चुअल लेबल निदा मिलना था. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो हमारे पास एक्चुअल जो आउटकम होना चाहिए था टेस्ट डेटा का वो पड़ा होता है, इसका आंसर क्या निकलना है. हम ये देखते हैं कि आपका क्लासिफायर ने कितना सही प्रेडिक्ट किया, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी इज. कि हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअली आंसर्स थे जो हमने छुपाए हुए थे, हमने अपने शो किए, उससे आप मैच करवाएं कि आपके आंसर्स कितने आए. जैसे टेस्ट डेटा में इसमें क्या होता है, क्लासिफायर में आपको लेबल का कॉलम भी दे देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आपने लेबल के कॉलम को यूज अभी नहीं करना, पहले आप अपना आंसर निकालें, फिर इस लेबल को अपने आंसर से मैच करें. इट्स लाइक यू आंसर योर MCQs अप एंड देन यू हैव योर आंसर शीट ऑफ दी यू नो करेक्ट आंसर्स ऑफ द MCQs एंड देन यू मैच योर आंसर्स विद इट, कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए एक्चुअल के साथ. ठीक है, सो बेसिकली जो 2x2 का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना है, इट्स लाइक द पेशेंट एक्चुअली हैड टू बी डिटेक्टेड एज ट्रू एंड यू ऑल्सो डिटेक्टेड एज ट्रू, सो दैट इज ट्रू पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज कि पेशेंट को डिटेक्ट होना था कि उसको कोरोना नहीं है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग उसको कोरोना है. ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव. We predicted as true that he is having corona, however it was not. That means it was not having corona, that is false positive. We also call it as type 1 error, but and we also call it false positive. Okay, so this is false positive box in which values come, ki jinko actually corona nahi hona tha lekin aapne ye predict kar diya ki isko hona hai. ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल 1 और 0 के क्लास लेबल्स हैं, तो उसको एक्चुअली मिलना था कि उसको कोरोना नहीं होना है, लेकिन आपने उसको कह दिया कि उसको कोरोना है. ठीक है, कि आपने इसको प्रिडिक्ट कर दिया ट्रू, जबकि एक्चुअली में इसको फॉल्स था, ये नहीं होना था. ठीक है, क्लियर. देन वी हैव लेट्स से ट्रू नेगेटिव. ट्रू नेगेटिव क्या है, कि एक्चुअली में उसको कोरोना नहीं है एंड आपने भी उसको नहीं करवाया. ठीक है, तो फॉल्स. ठीक है, तो ट्रू नेगेटिव इज वी प्रिडिक्ट ही डिड नॉट हैव कोरोना and it is actually also ki he did not have corona. theek hai, so these are the perfect values jo hume chahiye. agar 100% accuracy hai to isi mein sirf values hongi, isme in dono mein to honi nahi chahiye. true positive is ki the value had to be true and you predicted as true. true negative is ki it had to be predicted false and you predicted as false. theek hai, false positive is ki we predicted true however it was false. and false negative is the last one. it says कि एक्चुअली में वो ट्रू होना था लेकिन आपने उसको फॉल्स प्रेडिक्ट करवाया, कि मतलब उस बंदे को कोरोना था लेकिन आपने उसको क्या कह दिया, टेस्ट नेगेटिव कर दिया, आपने कहा कि इसको कोरोना नहीं है. इट्स बेसिकली नोन एज फॉल्स नेगेटिव. वी प्रिडिक्टेड फॉल्स हाउएवर इट वाज एक्चुअली ट्रू, मतलब उसका एक्चुअल आउटकम ट्रू था लेकिन आपने उसको जो प्रेडिक्ट करवाया वो गलत करवाया, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइप 2 एरर एंड इट्स ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव. अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए तो इनमें वैल्यूज होनी ही चाहिए, बिकॉज दीज आर दी एरर्स. सिर्फ इन दोनों में वैल्यूज होनी चाहिए एंड ये जो करेक्ट होंगे, यू हैव 100% एक्यूरेसी. आपकी एक्यूरेसी जो गिरती है वो गिरती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज आ जाती हैं. ठीक है, जैसे अगर आपका 80% एक्यूरेसी है या 70%, दैट मीन्स यू हैव सम वैल्यूज ओवर हियर, यू हैव सम वैल्यूज ओवर हियर, यू हैव सम वैल्यूज इन बोथ. ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बाकी सारे वैल्यूज सिर्फ इसी में अगर है, इट हैड टू बी 100% एक्यूरेट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज. ठीक है, यू डिवाइड इट इन दिस 4 कैटेगरीज के, जो ट्रू है आपने उसको ट्रू किया, जो फॉल्स है उनको आपने फॉल्स किया, जो फॉल्स थे आपने उनको ट्रू कर दिया, जो ट्रू थे आपने उनको फॉल्स कर दिया. सो इन 4 कैटेगरीज आपके 4 ऑप्शंस हैं, उनमें आपने देखना होता है कि आपके ऑप्शंस कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपने ठीक किया, इससे एक्यूरेसी निकलती है. अब एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव. व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, ट्रू पॉजिटिव
plus 2 negative, roll with the plus 2 negative, divided by all these four options, okay? That is this plus this divided by this sum, ठीक है. तो 100% एक्यूरेसी कैसे आती है, अगर आपका यहाँ फॉर एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल यहाँ और यहाँ हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी 100% एक्यूरेसी आ जाएगी. वाई, बिकॉज इफ यू हैव दिस और दिस को सम करके आ गया, डिवाइड बाय सम भी यही हो जाएगा, 100% आ जाएगी एक्यूरेसी. गिरती वहाँ है जब हम दिस प्लस दिस करते हैं, डिवाइड बाय जब ये वाले भी सम होते हैं, तो वहाँ आपकी मतलब यहाँ जब कोई वैल्यूज होंगी सो योर एक्यूरेसी विल फॉल डाउन, बिकॉज यहाँ हमारे एरर्स हैं, दीज आर द एरर वैल्यूज विच यू हैविंग. Specificity is also known as the true negative rate. True negative divided by true negative plus false positive. ठीक है, it's like true negative divided by true negative plus false positive. ठीक है, कि आपने जो actually में जो गलत होने थे उसमें से आपने कितने correctly negative जो हैं predict किए हैं. ठीक है, because this column, entire column is the one जिनको गलत predict होना था. ठीक है, अगर आपका ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव हम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि इस कॉलम में बेसिकली आपका यहाँ वैल्यूज आनी नहीं चाहिए थी, यहाँ आनी चाहिए सिर्फ, लेकिन अगर यहाँ आ रही हैं तो आपको बताया कि आपने एक्चुअल जो नहीं होने थे कोरोना के प्रिडिक्ट उसमें से कितने आपने ठीक जो है प्रिडिक्ट किया कि जिनको कोरोना नहीं है, बाकी को तो आपने एक्चुअली गलत कर दिया ना, क्योंकि कुछ जो फॉल्स पॉजिटिव दीज आर द वन जिनको आपने ट्रू प्रिडिक्ट कर दिया जिनको नहीं था कोरोना. सो बता रहे हैं कि एक्चुअली जो जिनको नेगेटिव होना था, मतलब कोरोना के पेशेंट्स को जिनको टेस्ट नेगेटिव आपने करना था, उनमें से आपने कितने सही नेगेटिव प्रेडिक्ट किए. ठीक है, दिस इज व्हाट स्पेसिफिसिटी इज. आपको फॉर्मुलेज एग्जैक्टली याद करने की एज सच जरूरत नहीं पड़ती है. आई डू नॉट प्रमोट दिस कि आप फॉर्मुलेज का रट्टा मारें, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कि एक्यूरेसी में हम बताएंगे कितने हमने जो है ठीक प्रिडिक्ट किए हैं. ठीक है, आउट ऑफ ऑल द वंस. स्पेसिफिसिटी में वो आपको बता रहा है कि आपका नेगेटिव रेट कितना ठीक आया, कि मतलब जिनको आपने टेस्ट नेगेटिव करना था उनमें से आपने कितने सही नेगेटिव प्रिडिक्ट किए हैं. सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू पॉजिटिव रेट और रिकॉल. सेंसिटिविटी इज द ट्रू पॉजिटिव रेट, मतलब है कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. आप देख सकते हो बेसिकली ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, के जो एक्चुअली में ट्रू नेगेटिव ट्रू रेट बता रहा है आपको कि जिन्होंने ट्रू प्रिडिक्ट होना था उसमें से कितने आपने सही ट्रू प्रिडिक्ट किए, जिन जिनको कोरोना होना था उसमें से आपने कितने सही ट्रू को प्रिडिक्ट किया, बिकॉज ये एक्चुअल ट्रू कॉलम है. ठीक है, बिकॉज दिस इज ट्रू एक्चुअल आउटकम का ट्रू ये कॉलम है. इसमें से आपने सिर्फ इतनों को सही प्रिडिक्ट किए, ये वाले आपने गलत प्रिडिक्ट कर दिया. सो इस ट्रू जो पूरे कॉलम है इसमें से आपने कितने ठीक प्रिडिक्ट किए, दैट इज बेसिकली नोन एज सेंसिटिविटी. तो ये है पॉजिटिव का रेट, आपको बताया कि कितने आपने सही पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए, एंड ये आपको बताया कितने आपने नेगेटिव सही प्रिडिक्ट किया. ठीक है, एंड एक्यूरेसी इसकी टोटल आपका मॉडल जो है उसने कितने सही टोटल इन टोटल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव इन टोटल कितने सही प्रिडिक्ट किया. सेंसिटिविटी को हम रिकॉल भी कहते हैं. ठीक है, यूजली जो सेंसिटिविटी की टर्म यूज नहीं होती है, रिकॉल की टर्म यूज होती है. ठीक है, तो आप सेंसिटिविटी कह लो या रिकॉल कह लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग इज द पॉजिटिव रेट. दिस इज नोन एज द ट्रू नेगेटिव रेट, दिस इज नोन एज द ट्रू पॉजिटिव रेट. ठीक है, प्रिसिजन एक और चीज है. दिस बेसिकली टेल्स यू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. इट्स लाइक टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी, टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी. इट बेसिकली टेल्स यू, यहां आपको बताता है कि आपने जो अपनी तरफ से जो ट्रू प्रिडिक्ट किए हैं उसमें से एक्चुअली कितने ठीक आंसर्स थे आपके, बिकॉज बाकी ये वाले तो गलत है ना. लुक एट द फॉर्मूला एंड यू बेसिकली अंडरस्टैंड कि इस टर्म का मतलब क्या है. आपको इसलिए मैं कह रही हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले से मतलब समझो कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है. जैसे ये आप अगर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है हम इन वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि हमने नेगेटिव कितने ठीक प्रिडिक्ट किए, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है. इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है हमने पॉजिटिव कितने ठीक प्रिडिक्ट किया, ये हमें पता चल गया. प्रिसिजन का जो बेसिकली मतलब है वो ये मतलब है कि इस हम इस रो को देख रहे हैं, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव कर रहे हैं. तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके अकॉर्डिंग जिनको आपने ट्रू प्रिडिक्ट किया है उनमें से एक्चुअली कितने ठीक आंसर्स हैं, क्योंकि बाकी ये वाले तो गलत हैं. ठीक है ना, तो आपने जिनको आंसर्स सही प्रिडिक्ट किया उसमें से एक्चुअली में कितने आंसर्स ठीक हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्रिसिजन इज. दिस इज प्रिसिजन, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी एंड एक्यूरेसी. इसके रटो नहीं, इसका मतलब सिर्फ समझो कि एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है, सो दैट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बाय दीज टर्म्स.
ठीक है, बिकॉज वन दीज टर्म्स आर आस्क ना, आपसे ये नहीं पूछा जाता, कोई आपसे ये नहीं कहेगा यार एक्यूरेसी का फॉर्मूला बता दो या प्रिसीजन का फॉर्मूला बता दो, दे विल आस्क यू व्हाट यू मीन बाय एग्जैक्टली प्रिसीजन, व्हाट यू एग्जैक्टली मीन बाय रिकॉल, सो इफ यू हैव दैट कॉन्सेप्ट इन माइंड के व्हाट दिस प्रिसीजन डज, सो दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, यू कैन टेल एग्जैक्टली कि यार मैं प्रिसीजन से क्या चीज़ निकाल सकता हूँ अपने आंसर से. सो जब आपने मॉडल लगा लिया है, इट्स नॉट ओनली नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट अ मॉडल, इट्स नेसेसरी टू फाइंड आउट कि आपका मॉडल एक्चुअली कितना अच्छा था. इफ यू हैव चोजन दिस मॉडल, सो वाई हैव यू चोजन इट, एंड इफ यू डिड नॉट जम्प टू एनी अदर मॉडल, सो वाई डिडंट यू जम्प टू एनी अदर मॉडल, और इफ बाई चांस यू जम्प टू एनी अदर मॉडल, सो वाई डिड यू, यहाँ पे ऐसी क्या आपने वैल्यू देखी कि जिसकी वजह से आपने जज आउट कर लिया कि ये मॉडल ठीक नहीं है. सो इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट्स प्रिसीजन, व्हाट्स रिकॉल, व्हाट्स स्पेसिफिसिटी, व्हाट्स एक्यूरेसी. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल जैसे है, दिस एग्जांपल इज फ्रॉम विकिपीडिया, इसका एक टेबल बना हुआ था, सो आई थॉट कि मैं इसका एक करवा लूँ, मतलब ये टेबल जो था विकिपीडिया से मैंने उठाया, एंड देन आई थॉट कि मैं इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाऊँ फॉर द क्लास कैट. व्हाट इज एक्चुअली डूइंग इज जस्ट प्रिडिक्टिंग, ये कह लो कि इसने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फेस डिटेक्शन किया ऑफ सम एनिमल्स, एनिमल्स की कुछ पिक्चर्स होंगी, बट दैट्स व्हाट आई अज्यूम कि इसने सीनी पे लगाया होगा, इसने क्या होगा कि एनिमल की पिक्चर्स रैंडमली दी जाएं और क्लासिफाई किया जाए कि ये पिक्चर किस एनिमल की है. तो द क्लासिफायर हैड थ्री कैटेगरीज, इट्स कैट, डॉग एंड रैबिट. तो एक्चुअल जो आउटकम्स, एक्चुअल क्लास जो है वो ये है, एंड प्रिडिक्टेड क्लास जो है वो ये, उसने कुछ वैल्यूज दे दिए. सो नाउ लेट्स मेक अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द कैट क्लास. नाउ अब क्या होगा एग्जैक्टली, या तो वो कैट प्रिडिक्ट करेगा, या तो वो प्रिडिक्ट करेगा ये कैट नहीं कुछ और है, ठीक है ना. दैट मीन्स कि एक्चुअल जो आउटकम निकल सकते हैं, इट इज ईदर अ कैट और इट्स नॉट अ कैट. सो एक्चुअल में भी एक्चुअल आउटकम के अकॉर्डिंग हमारे पास सेव्ड अप होगा ना, कि कोई पिक्चर अगर मैंने डाली होगी तो या तो वो कैट होगी या तो वो डॉग और रैबिट की कैटेगरी में आएगा. तो नॉट कैट मीन्स कि इट्स अ डॉग और अ रैबिट, ठीक है. सो बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द कैट क्लास, दैट मीन्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मुझे ऐसा बनाना है फॉर क्लास कैट. सो इट विल ईदर बी कैट और इट विल नॉट बी अ कैट. Not will be a cat मतलब कि वो या तो वो dog की category में होगी या वो rabbit की category में होगी. And predicted में भी यही होगा कि it will either be a cat or it will not be a cat. ठीक है, so this is like I have these four boxes जिसमें मुझे कुछ values certain रखनी है, and then I will have these true positive, false negative and true negative. Now if you see closely to the box, actual में जो cats होनी है वो total होनी है ये कॉलम है, ठीक है ना. और जो कैट्स नहीं होनी है एक्चुअल में, मतलब जो बैक एंड पे स्टोर्ड है रिजल्ट, दीज आर बेसिकली दीज थिंग्स, करेक्ट. सो एक्चुअल में जो कैट्स होनी है, कैट की जो इमेजेस पड़ी हुई है बैक एंड पे, दीज आर टोटल हाउ मेनी, आई हैव 5 + 3 + 0, दैट मीन्स इन टोटल आई हैव 8 कैट्स अवेलेबल एज पर बैक एंड एक्चुअल डेटा सेट. एंड बाकी सारी जो नॉट कैट की कैटेगरी में वो ये है एक्चुअली, ठीक है. सो ओवर हियर इफ आई हैव टू चूज द वैल्यूज फॉर दीज फोर बॉक्सेस, ओवर हियर आई हैव टू राइट दोज जो एक्चुअली में भी कैट हैं, एंड आपने भी उसको कैट ही प्रिडिक्ट किया. एक्चुअली में कैट ये हैं, जिसमें से आपने जिसको कैट प्रिडिक्ट किया है वो ये हैं, ठीक है ना. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखेंगे, एक्चुअली में जो कैट ये थी वो ये, एंड आपके अकॉर्डिंग कैट्स हैं ये. तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज ओनली दिस, करेक्ट, बिकॉज दिस इज द वन विच इज एक्चुअल एंड दिस इज द वन विच यू हैव चोजन एज कैट्स. So the intersection point is only the value 5. That means out of 8, only 5 images of cats have been classified correctly. Out of 8 actual result, only 5 have been classified correctly. ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है. जिन्होंने cat नहीं होना था और जो actually में भी cat नहीं थी वो यहाँ आनी थी, that is true negative. So हमें अब पहले अब ये देख लेते हैं कि जो actually में cats नहीं थी एंड आपने भी उसको कैट नहीं प्रेडिक्ट किया है. सो हम इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं. एक्चुअली में कैट्स ये सारी नहीं है, ठीक है, दैट्स 2, 0, 3, 2, 11, 1, ठीक है. एंड जो आपने कैट प्रिडिक्ट नहीं किए हैं, दैट्स लाइक दीज टू रोज विच इंक्लूड्स 3, 3, 2, 0, 1, 11, ठीक है. सो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं देखूँ इन दोनों का, सो इट्स लाइक दिस होल एंड दिस इज वट यू हैव प्रिडिक्टेड. सो दिस इज बेसिकली वट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज, ठीक है. बिकॉज इफ दिस इज वट द एक्चुअल हैड टू बी एंड दिस इज वट यू हैव डन, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं देखूँ, दैट्स बेसिकली दिस 3, 2, 1 and 11. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू फाइंड आउट विच आर नॉट, विच एक्चुअली वर नॉट कैट्स एंड यू ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट दे आर नॉट कैट्स. जो एक्चुअली में कैट्स नहीं है वो ये हैं 2, 0, 3, 2, 1, 11, एक्चुअली में ये नहीं है. एंड आपने जो प्रिडिक्ट किए हैं वो ये हैं,
3320111. तो अगर मैं देखूँ और आपने जो प्रिडिक्ट किए हैं वो ये हैं और जो एक्चुअली में हैं वो ये हैं, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट देख लूँ, दिस इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, वी जस्ट सम इट एंड डिवाइड इट कि हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं. दैट्स 11 प्लस 2 13 14 15 16 17. इन टोटल इन सब में से 17 इमेजेस हैं आउट ऑफ यू कैन से द 19, यू कैन से बिकॉज 11 1 3 2 2 0 एक्चुअली में हैं जो कि कैच नहीं थी. तो उनमें से जो हैं इन टोटल 17 इमेजेस हैं जो उसने क्लासिफाई करेक्टली कर लिया कि ये कैच नहीं है. दिस इज एंड दिस इज द वंस व्हिच वी हैव फाउंड आउट करेक्टली, मतलब ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये सही हमने किए हैं प्रेडिक्ट. ठीक है, बिकॉज ये एरर्स नहीं है, ये एक्चुअली करेक्ट रिजल्ट्स हैं कि 5 जो है हमने सही प्रेडिक्ट कर ली एंड 17 जो है हमने सही करेक्ट प्रेडिक्ट कर ली कि ये कैच नहीं है. नाउ कम्स दी एरर्स पार्ट, के जो कैच नहीं थी एंड आपने उसको प्रिडिक्ट कर लिया कि वो कैच है. ठीक है ना, दैट्स बेसिकली कि जो कैच नहीं थी वो थी ये. ठीक है, एंड आपने उसको कैच प्रिडिक्ट कर लिया, इसमें से आपने कैच को कितनों को प्रिडिक्ट किया है, इन सब को. ठीक है, सो जो कैच नहीं थी वो थी 2032111 एंड जिनको आपने कैच प्रिडिक्ट कर दिया दैट इज 5 2 एंड 0. ठीक है, अगेन यू जस्ट फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2 एंड 0, दैट्स इन 2 प्लस 0, इट्स इक्वल इन टू 2. ठीक है, सिंपल एज दैट. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट व्हिच इज सेज कि एक्चुअली में कैट्स हैं एंड आपने उनको प्रिडिक्ट किया कि वो कैट्स नहीं हैं. जो एक्चुअली में कैट्स हैं वो हैं 5 3 एंड 0. ठीक है, एंड जिनको आपने प्रिडिक्ट किया कि वो कैट्स नहीं हैं, दीज आर दीज टोटल. ठीक है, दैट्स 3 3 2 0 1 11. ठीक है, तो 3 3 2 0 1 11 वो हैं जिनको आपने प्रिडिक्ट किया है कि वो डॉग्स हैं या रैबिट्स हैं, दैट मीन्स दे नॉट इन द कैटेगरी ऑफ कैट्स अकॉर्डिंग टू यू. एंड जो एक्चुअली में कैट्स हैं, क्योंकि ये कहता है कि यहाँ कैट होनी चाहिए, तो ये है ये. ठीक है, सो इट बेसिकली सेज जो कैट्स हैं दैट्स दिस, जो कैट्स हैं एज पर द एक्चुअल, एंड ये वो हैं जो कैट्स नहीं हैं एज पर द प्रिडिक्टेड वन. ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं निकालूं, इट्स सिंपली दिस द इंटरसेक्शन पॉइंट एज 3 प्लस 0 व्हिच इज 3, एंड इफ यू सी दिस इज द आंसर. ठीक है ना, 5 2 3 7 5 2 3. ठीक है, इट बेसिकली इज जस्ट कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने सिंपली ये किया जब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने देखा कैच की कॉलम कौन सी, एक्चुअल आउटकम के अकॉर्डिंग कैट्स की कॉलम कौन सी है. फिर मैंने देखा जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो कौन सी रो है कैट की, वो ये है. इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो लिख दिया. ठीक है, इसी तरह इसका साथ किया, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, कि पहले ये निकाला, जैसे अगर ये निकाला तो देखा कैट्स की कौन कौन से कॉलम्स थे वो निकाले, नॉट कैट की कौन कौन सी रोज थी. उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो देख लिया. ठीक है, अगर ये यूं है और ये यूं है तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है. ठीक है, सिंपल सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालें और कुछ भी नहीं किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के ये वैल्यूज निकाल लिए एंड आपको पता चल गया. दिस इज बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द कैट क्लास. आपको हर क्लास के लिए जो है अलग से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक जैसे आपको डॉग के लिए अलग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, रैबिट के लिए अलग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कि एक्यूरेसी इन टोटल कितनी निकली है. ठीक है ना, सो जैसे अगर आप ये बना सकते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे डॉग का और रैबिट का अलग बना सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, जब एक्यूरेसी फाइंड करने पर आते हैं तो वही फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव. सो व्हाट आई विल डू इज फॉर एक्यूरेसी, व्हाट आई विल डू इज 5 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 17. सो दिस विल टेल मी व्हाट माई एक्यूरेसी इन टोटल इज. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसकी एक्यूरेसी आती है 5 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 2, अगर मैं करूँ तो 5 प्लस 17 डिवाइड बाय आंसर बिकम्स इट इज 0.82 × 100 करूंगी परसेंटेज के लिए, सो इट्स बेसिकली 82%. मुझे पता चल गया कि मेरी इस मॉडल की जो एक्यूरेसी निकली है, मतलब जो भी मॉडल लगाया होगा जिससे मैंने आंसर्स डिड्यूस किएंगे, सो फॉर द कैट क्लास के अकॉर्डिंग जो है मेरी एक्यूरेसी 82% है. क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा क्लासेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ दो क्लासेस होती तो अगर फॉर सपोज सिर्फ कैट और डॉग की क्लास होती
तो कैट का जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है उसी से मैं एक्यूरेसी निकाल लेती कि 82% है, बिकॉज जिनको कैट उसने प्रिडिक्ट नहीं किया है दैट्स ऑटोमेटिकली वो बता देता कि वो दूसरी डॉग की कैटेगरी में लाइक कर गए, तो मैं फिर करेक्टली एक्यूरेसी में निकल जाती। दो से ज़्यादा क्लासेस जब हैं तो फिर मुझे इन तीनों का निकालना पड़ेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और उसकी एक्यूरेसी को कंबाइन करके जो मीन निकलेगा वो मैं दे दूँगी। सो बेसिकली एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, प्रेसिजन, ये सारी जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपको बता दिए आपका मॉडल कितना अच्छा है, कहाँ आपका मॉडल ख़राब है थोड़ा, कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह निकलते हैं जैसे रिसर्च पेपर्स वगैरह जो कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट हमने निकाल ली उस मॉडल में, वो इसी तरह निकलती है कि जैसे फॉर सपोज मैंने आपको बताया फीचर स्केलिंग का, अब ये एक इम्प्रूवमेंट ही स्टेप था और कुछ नहीं था। उन्होंने देखा कि हमारे नॉर्मल डेटा सेट में आंसर नहीं निकल रहा, अच्छा इसमें कुछ डेटा पे करते हैं चेंजेस, या कुछ मॉडल में करते हैं, उन्होंने मॉडल में चेंजेस किए, नहीं आंसर इतना अच्छा निकला। उन्होंने फिर क्या कर दिया, सिंपली उन्होंने डेटा को चेंज किया, फीचर स्केल किया, एक्यूरेसी एकदम से भर गई। तो इसी तरह इंप्रूवमेंट्स आती हैं कि आप देखते हैं कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप ये पैरामीटर्स निकाल के देखते हैं कहाँ आपकी वैल्यू कम आ रही है, किस किस फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट की वैल्यू कम आ रही है, तो हम उसकी तरफ उस पर इम्प्रूवमेंट करने की तरफ सोच लेते हैं कि हमने उसकी तरफ इम्प्रूवमेंट करना है। ये जैसे कंक्लूजन मैट्रिक्स बना दिया, दिस इज़ बेसिकली एन IR एग्जाम्पल, ये हमें एक्चुअली सर रफी ने करवाई थी। आई गेस दिस हैड बीन कवर्ड, दिस माइट हैव बीन कवर्ड इन क्लास ऑफ योर्स टू, जिसमें दिस वॉज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो इसमें सर करवा देते रिट्रीव्ड नॉट रिट्रीव का एग्जाम्पल करवा देते, दिस कैन बी अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। इट्स बेसिकली से देयर 10 डॉक्यूमेंट्स D1, D2 टिल D10, आउट ऑफ दीज D1, D4, D5, D8 एंड D10 आर ओनली रेलिवेंट। तो बेसिकली इसमें होता ये क्या है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के जो जैसे ट्रू फॉल्स था, तो यहाँ पे होता है रेलिवेंट नॉट रेलिवेंट, इट्स लाइक रेलिवेंट नॉट रेलिवेंट, ठीक है, और फिर आपके अकॉर्डिंग भी रेलिवेंट नॉट रेलिवेंट, ठीक है। अच्छा, अब उसने ये कह दिया है कि D1, D4, D5, D8, D10 आर ओनली रेलिवेंट, मतलब एक्चुअल आउटकम जो है, मतलब इस कॉलम में जो आने हैं वो ये आने हैं, ठीक है। आपकी क्यूरी ने, दैट मीन्स ये कह लो कि आपके क्लासिफायर ने, टेक्स्ट क्लासिफायर ने जो किया है वो इनको कहा है कि ये रेलिवेंट है, ठीक है। सो अभी इस एग्जाम्पल से आप जज करो कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी इन चार में। सो बेसिकली जो सर करवा रहे थे, आई रिमेंबर कि वो प्रिसीजन एंड रिकॉल का फॉर्मूला करवाते थे, प्रिसीजन एंड रिकॉल का फॉर्मूला मैं करवा चुकी हूँ। सो बेसिकली दिस प्रिसीजन इज दिस, रिकॉल इज दिस। तो एक बार जब आपसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन जाता है तो प्रिसीजन एंड रिकॉल आपको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। वाई इज जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला, आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अगर बना लिया है, यू जस्ट नो विच इंडेक्सेस टू फाइंड आउट एंड उनको सम करके या डिवाइड करके जो भी आंसर निकल है वो निकल जाता है। सो इसमें आप यू कैन प्रैक्टिस इट कि यहाँ 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 क्या वैल्यूज आएंगी, एंड देन यू कैन कैलकुलेट कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, प्रिसीजन क्या है, यू कैन कैलकुलेट ऑन योर। इट्स वेरी इजी, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस के जैसे आप पहले अगर वो जो मैंने कैट एग्जाम्पल कराई आप वो कर लो, उसके बाद ये कर लो, जैसे योर प्रैक्टिस फॉर योर कॉन्सेप्ट क्या आपने ठीक किया कि नहीं किया है। सो दैट्स इट। इवेल्यूशन पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मॉडल विच यू आर यूजिंग, यू नो फॉर सुपरवाइज लर्निंग अप्रोचेज जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज आपको मैच करना होता है कि एक्चुअल आंसर्स आपके कितने आंसर्स जो हैं करेक्ट आए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी, टू टेल द क्लाइंट कि हाउ मच गुड योर मॉडल इज, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।